सब आज मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल उसामा हमजा। आज मैं फोर्टनाइट का कीचेन बनाऊंगा और उसे प्रिंट भी करूंगा बाद में, तो देखते हैं किस तरह का बनता है। मैंने फोर्टनाइट का वो जो सा होता है फोन वो भी मेरे पास है, मैंने डाउनलोड कर लिया था, तो अब मैं ये बनाऊंगा। पहले तो ये 60 मिलीमीटर इसकी लंबाई है इस तरीके से, और चौड़ाई इसकी 30 मिलीमीटर है। और अब इसे पुशअप करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 14 मिलीमीटर तक। ठीक, अब वहाँ पे जाएंगे पहले। अब हम इसके आर्क्स बना देंगे कोनों में, 5 मिलीमीटर तक यहाँ से खींचेंगे और यहाँ से 5 मिलीमीटर तक। अब हमने 5 मिलीमीटर तक बना दिया, अब इसको हम आर्क करेंगे तकरीबन 1 मिलीमीटर तक। अब यहाँ से हम लेंगे मिड पॉइंट, ये रहा, और इधर से 10 मिलीमीटर तक ऊंचा ले लेंगे। बाकी आई थिंक ये टेढ़ा है। टेन मिलीमीटर और यहाँ से भी इधर से 5 मिलीमीटर और इधर से भी 5 मिलीमीटर। यहाँ से नीचे लेंगे और यहाँ से भी नीचे, और ये बीच वाली लाइन को अरेंज कर देंगे। ये किस तरह हुआ, अच्छा तो ये वाली लाइन जब अरेज करते हैं तो वो भी अरेज हो जाते हैं। इसका तरीका ये है, फिर इसको हम पहले पुश डाउन करेंगे, ठीक है, और फिर ऊपर से जब वो अरेज करेंगे तब कोई मसला नहीं बनेगा। ठीक, अब इधर सर्कल की बारी है। पहले तो इधर से 2 मिलीमीटर का आर्क लेंगे, नहीं बल्कि 2 मिलीमीटर बहुत ही कम होगा, 5 का ही लेंगे। एडिट में जाके सबसे पहले हम डिलीट कट्स करेंगे, ठीक है, और अब इसका मिड पॉइंट ये है और ये मिड पॉइंट है, तो हम इधर से ही हम ले लेंगे सर्कल इधर से।
और लेंगे तकरीबन 2 मिलीमीटर का और पुल डाउन टूल से इसको गायब करेंगे। इसको गायब करने का तरीका यह है, जब इस आसमान आसमान सा नज़र आने लग जाए तब इसे छोड़ दें और फिर डिलीट कर देंगे। अब बारी ऑफसेट की, ऑफसेट 1 मिलीमीटर तक करेंगे और उसका भी ऑफसेट ले लेंगे, 1 मिलीमीटर का ही लेंगे और फिर उसको 1 मिलीमीटर तक ऊपर करेंगे, नहीं 1 मिलीमीटर तक अभी ऊपर नहीं करना, अभी तो इसको नीचे ही रहने दो। इसको पहले करेंगे 1 मिलीमीटर तक नीचे। और अब बारी है फॉन्ट की, लास्ट एंड फाइनल वर्क इज फॉन्ट। अब इधर जाएंगे, मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये मैंने डाउनलोड कर लिया था फॉन्ट फोर्टनाइट का। अब आप देखिएगा थोड़ा, कैप्स ऑन किया, चेंज हो गया गलती से मुझसे, उसका नाम था बुरबंड। ये है, हाँ जी ये देखिए अब ठीक हो गया, ये 1.5 मिलीमीटर तक ऊपर है अब। हाँ जी, ये है वो डिज़ाइन जो हमने अभी गूगल स्केचअप पे डिज़ाइन किया था, ठीक है। और ये प्रिंट कर लिया मैंने, अब इसका टाइम लैप्स में आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आप वो टाइम लैप्स देखें, इसमें थोड़ी सी इसमें स्पॉट भी यूज़ किया, पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये इस साइड पे स्पॉट यूज़ किया और अंदर भी सुराख के अंदर भी स्पॉट यूज़ किया है, और बस इतना ही। चलिए अब आप टाइम लैप्स देखें। ये है जी टाइम लैप्स इस किचन का, और आप देख रहे हैं कि किस तरह ये बना रहा है। ये किचन को तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लगे थे बनते हुए और 32 सेकंड की वीडियो है, आप देख रहे हैं। तो इसके लिए लाइक तो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहे। मैं इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की वीडियोस लाऊंगा। बाय बाय।
एक और चीज़, मैं इस वीडियो में आपको वो भी सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगा जो अभी तक, जब से हमने एक ठीक किया है प्रिंटर, तब से जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। ये इसका तो आपको टाइम लैप्स दिखाया था, ये बर्ड केज है, और ये जो अभी भी प्रिंट किया है हमने, ठीक है, और फोर्टनाइट का की चैन, ये मेरे नाम का था बट ये सही से मुझसे डिज़ाइन नहीं हुआ, ठीक है, तो ये इतना अच्छा नहीं बना बट ठीक है, गुजारा है। और ये टर्टल है, ये भी बड़ा अच्छा बना था, बड़ा स्मूथ है ये भी। इसके इधर एक रिंग थी ऐसे करके, बहुत प्यारी थी, लेकिन वो मुझसे टूट गई थी। और ये क्यूब है, जब हमने नया नया ठीक किया था तब इसको टेस्ट करने के लिए ये क्यूब हमने बनाई थी।